हाय, मेरा नाम डॉक्टर अपनीत गुप्ता और बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि सर टीथ वाइटनिंग के ऊपर कुछ लेके आइए, टीथ वाइटनिंग के ऊपर कुछ लेके आइए। तो मुझे अचानक से नेट सर्फ करते करते रात में अराउंड 2-3 बजे मुझे फेसबुक पे एक किट मिली, विच इज़ दिस द मोलर पेयर की टीथ वाइटनिंग किट। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ऑर्डर किया जाए, उसको ट्राई किया जाए कि ये सही में टीथ को वाइट करता है या नहीं। तो आज हम ट्राई करेंगे आपके साथ, मैं फर्स्ट टाइम इसको ट्राई करूंगा और हम देखेंगे कि कितने ये दांतों को कितना शेड लाइट कर रहा है। खैर, कंपनी तो बहुत कुछ क्लेम करती है बट कितने परसेंट रिजल्ट आते हैं वो हमें चेक करने के बाद ही पता चलेगा और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो साथ ही साथ मैं आपको चीज़ बता दूँ कि टीथ वाइटनिंग जो किट होती हैं या टीथ वाइटनिंग के जितने भी प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं, ब्लीचिंग होते हैं, या आप किसी भी डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको टीथ वाइटनिंग के लिए ब्लीचिंग सजेस्ट करेंगे। तो वहाँ पे वो आपको, जब आप पहली बार जाओगे, मैं करवा चुका हूँ, तो जब आप जाते हैं वहाँ पे डेंटिस्ट के पास तो वो आपको पूरा इंप्रेशन लेंगे, एक ट्रे बनाएंगे, बनवाएंगे, एक ट्रे बन के आएगी और फिर एक ब्लीचिंग एजेंट होता है, वो जेल लगा देंगे एंड देन दे विल कीप इनसाइड योर माउथ एंड फॉर यू हैव टू वेट फॉर 10-15 मिनट और एक यू लाइट से वो उसको एक्टिवेट करते हैं जो भी उनका प्रोसीजर होता है। तो उसके अंदर होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या करता है, वो आपके जो लेयर होता है, डेंटल टीथ लेयर होता है, उसको एब्रेड कर देता है और वहाँ पर ब्लीचिंग इफेक्ट देता है, यानी आपके जो भी येल्लोइश टीथ होते हैं वो वहाँ पर शेड उनका लाइट हो जाता है, एक दो शेड लाइट हो जाता है जनरली। और उसके कारण बट मैंने जो फील किया, मुझे जो फील हुआ, मेरे दांतों में सेंसिटिविटी हो गई थी, मुझे सेंसिटिविटी होना फील हो चालू हो गया, लाइक ठंडा गर्म, मैं कोई भी कॉफ़ी पीऊँ तो मुझे गर्म फील हो जाए, आइसक्रीम खाऊँ तो ठंडा फील हो एकदम, तो ये सेंसिटिविटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिकॉज इट्स अ सिंपल थिंग, आप डेंटिस्ट आपको बताएंगे कि सेंसिटिविटी के चांसेस बहुत कॉमन है इसमें, बिकॉज आपकी जो टीथ की लेयर होती है, एनामल लेयर जो होती है, वो एब्रेड हो जाती है तो वो सेंसिटिव हो जाते हैं, आपकी नर्व एंडिंग्स थोड़ी एक्सपोज होने लगती है तो आपको टेम्परेचर फील होने लगता है। तो खैर, ये कॉमन चीज़ है, ऐसा होता है। बट यस, मैंने जो फील किया ये बहुत ही ज़्यादा, आप अगर टीथ वाइटनिंग के लिए सोच रहे हैं तो फिर आपको बहुत सी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ती हैं, लाइक आपको कॉफ़ी अवॉइड करना है, आपको हल्दी अवॉइड करना है, आपको चाय अवॉइड करना है, जो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए तो, बिकॉज आप कोई भी टीथ वाइटनिंग एजेंट यूज़ करेंगे, लाइक ये ही हो गया, या आप हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज़ करेंगे, कोई भी एजेंट यूज़ करते हैं, वो जो ऊपरी सतह को रिमूव कर देगी और जो पिगमेंटेशन ऑलरेडी है वो रिमूव कर देगी, बट न्यू ना आए, लाइक न्यू पिगमेंट ना बने, लाइक उसमें पीलापन ना आए। हल्दी आप लेंगे तो पीलापन ऑफकोर्स स्टेनिंग छोड़ेगा, आप गुड़ का खाएंगे तो रेड स्टेनिंग छोड़ेगा, कॉफ़ी लेंगे या टी लेंगे तो स्टेनिंग छोड़ेगा, दैट्स वेरी कॉमन। तो यू हैव टू डू ब्रशिंग ट्वाइस अ डे, मतलब मॉर्निंग एंड नाइट करना ही करना है। और इस तरीके की किट है जो होम किट है, आप चाहें तो परचेस कर सकते हो और मैं भी ट्राई करके देखेंगे कि रिजल्ट ये दे रहा है कि नहीं दे रहा है। डेंटल प्रोसीजर तो जो डेंटल क्लिनिक में जो प्रोसीजर होता है वो तो वर्क करता है, रिजल्ट देता है, बट क्या ये होम किट आपको वर्क कर रही है कि नहीं कर रही, हम अभी ट्राई करेंगे। तो इसका किट तो बहुत सुंदर है और इसके साथ अंदर आता क्या, हम लोग देख लेते हैं। इसके अंदर आपको मिलेगा 3 इंजेक्शन आते हैं, जिसके अंदर प्री फिल्ड लिक्विड है जो कि विच इज़ द केमिकल जिसको, जो हमें टीथ को ब्लीच करेगा, और इट्स अ वाइटनिंग जेल, इस तरीके का वाइटनिंग जेल आता है, 3 वाइटनिंग जेल है एंड इसमें मार्किंग ली हुई दी हुई है आपको, हर बार 1/4, 1/4, 1/4 इसमें जो लिखा है वो अप्लाई करना होता है अमाउंट का। और इसमें एक है ट्रे विच इज सिलिकन ट्रे। सी, इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको ये सिलिकन ट्रे है जो हर माउथ में, मतलब हर टाइप के मुँह के अंदर ये फिक्स हो जाएगा बिल्कुल, बिकॉज ये एडजस्टेबल होता है। जनरली जो ट्रे बनाते हैं डेंटिस्ट वो फिक्स्ड होती है, वो मूवेबल नहीं होती है, तो मेरा अलग बनेगा, किसी और का अलग बनेगा, सबका अलग अलग बनेगा। तो ये जो किट आ रही है, आपको किट ये बनवाना जरूरत नहीं है, आप इसको ही यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एक ये लाइट थेरेपी मशीन दी गई है, इट्स यूवी लाइट बेसिकली जो वर्क करता है। बट इसमें एक चीज़ देखिएगा, आप जब भी आप अगर किट परचेस करते हैं, इस तरह की मशीन लेते हैं, तो यहाँ पे पीछे एक नॉब दिया हुआ है, नॉब को आपको ओपन करना है एंड यहाँ पे अंदर बैटरी है, बैटरी से मैं से यहाँ से एक प्लास्टिक का निकालना, उसके बाद ये चालू होगी। ओके, क्योंकि वरना आप बड़े कन्फ्यूज हो जाओगे कि आपको खराब प्रोडक्ट मिला है, ख़राब नहीं है, और यू हैव टू क्लिक दिस एंड ये लाइट चालू हो जाएगा। ओह, तो खेलने में बड़ा मज़ा आएगा, आप खेल भी सकते हो। बंद कर दिया, चालू कर दिया, यस, जस्ट खेलेंगे। तो प्रोसीजर्स में क्या है पढ़ लेते हैं फटाफट। फॉर द बेस्ट रिजल्ट फॉलो दिस टिप एंड शेयर योर
बिफोर एंड आफ्टर पिक. ओके सेल्फी इज अ कंपनी का बोला. ओके तो कंपनी कह रही है कि इसको आपको यूज करने के पहले आपको ब्रश करना है, आपकी जो भी गंदगी इसको रिमूव कर दो, स्टेनिंग जो भी है इसको रिमूव कर दो नॉर्मल ब्रशिंग से. एंड इसको नाइट एप्लीकेशन यूज करना है, आपको नाइट में ही अप्लाई करना है. टेक बिफोर एंड आफ्टर फोटोज टू कंपेयर रिजल्ट एंड यूज फॉर 6 कंसेक्यूटिव नाइट. लगातार 6 दिन आपको यूज करना है, 6 नाइट यूज करना है. एंड लिमिट और अवॉइड फूड दैट विल स्टेन योर टीथ. लाइक मैंने पहले बोल चुका है कि कॉफी, टी, हल्दी एंड जो भी स्टेनिंग वाले होते हैं, गुटखा, तंबाकू, ये सब चीज़ें होती है, वो आपको अवॉइड करना है और रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा. पीछे इसमें शेड गाइड दी है, आप जब भी जाए अपने शेड से नहा सकते हैं ऐसे करके. एंड यू कैन मार्क इट, मेरा तो अच्छा खासा वाइट है, आई थिंक ये वाला है. ओके तो मेरा 3 या 4 है, मेरा 3 या 4 नंबर है. ओके एंड वाइट इज टोटली वाइट, तो मेरा 3 या 4 नंबर है शेडिंग. ओके तो शेड कार्ड है, तो हम अभी इसको ट्राई करके देखेंगे. इसको ट्राई करने के लिए आपको ये इसको इसमें पहले यहाँ पे फिक्स करना रहेगा. यहाँ पे फिक्सिंग के लिए बना हुआ है फिक्स करके, तो इस तरीके से ये फिक्स हो जाता है. आपको फिक्स करना है यहाँ पे अपर एंड लोअर टीथ के लिए. आपके अपर एंड लोअर टीथ के लिए आपको यहाँ पे जेल के लिए ऑप्शन दिया हुआ है. आपको जेल की इंजेक्शन निकालना है, सिंपल सी बात है. इसमें ऊपर नॉब है, इसको ओपन करना है और इसमें 1/4 पार्ट डाल देने का है. यहाँ पे फिल करना है. ये जेल फॉर्म में है, मैंने अपर एंड लोअर दांतों को के लिए मैंने निकाल लिया है. एंड आपको ऐसा फिक्स करके 10 मिनट लगा के बैठना है ऐसे. लाइट को स्टार्ट करना है. तो आफ्टर 10 मिनट यू हैव टू टेक इट आउट एंड यू हैव टू क्लीन इट प्रॉपरली. ठीक है एंड इसमें जो बीप है इसमें ये लाइट है, ये ऑटोमेटिक 10 मिनट बाद ऑफ हो जाती है, तो पता चल जाता है कि 10 मिनट हो चुके हैं. मैं ऑलरेडी क्लीन कर चुका हूँ, तो क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि मैं सबके सामने क्लीन करूँ, बट रिजल्ट मैं दिखा सकता हूँ कि खैर मुझे कोई बहुत ज़्यादा फर्क एक सेटिंग में नहीं दिखा. मैंने जो मिरर में अंदर चेक किया था, तो मुझे कोई एक सेटिंग में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं दिखा. कंपनी कहती है आपको 6 डे तो रेगुलर लगाना ही लगाना है, तो उसमें आपको 2 से 3 शेड लाइट होंगे. अब मैं 6 दिन लगातार यूज़ करूँगा फिर देखता हूँ, बट फर्स्ट सेटिंग में मुझे कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं दिखा. तो ये आपकी चॉइस है इसको यूज़ करना या नहीं करना. इसमें जनरली मार्केट में जो ब्लीचिंग एजेंट आते हैं, ब्लीचिंग किट्स आती हैं, उसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है सब में, ठीक है, विच इज़ अ बेसिक इंग्रेडिएंट उसका ब्लीचिंग किट का. कंपनी इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं कर रही है. कंपनी इसमें बोल रही है फ्लेवर है मेंथॉल, पोमीग्रेनेट, एलोवेरा एंड सोडियम बाइकार्बोनेट. कंपनी का कहना है इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डाला है, जिससे जो टीथ वो वाइट कर रहा है. तो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसके अंदर, जो कि सोडा होता है. तो आप चाहो तो फिर मैं रख सोडा लेके भी दांतों को घिस सकते हो, उससे भी वाइट हो जाएंगे. कह रहा है आई हैव नेवर ट्राइड, मैंने सुना है ब्रश में सोडा लेके लोग करते हैं, नींबू डाल के सोडा डाल के ऐसे करते हैं, बिकॉज अगेन लाइम उसमें विटामिन सी होता है नींबू में और लेमन में, तो जो आपको लाइटिंग इफेक्ट देता है. तो आप चाहो तो कर सकते हो ट्राई, बट इसमें मुझे कोई बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं दिखा है ट्रूली स्पीकिंग. मैंने अभी जो मिरर में बाथरूम में जब मैंने क्लीन किया तो मैंने देखा, तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं दिखा है. साथ में कंपनी इसने इसमें और क्या बोला है मैं वो देख लेता हूँ, इंपॉर्टेंट कोई चीज़ छूटे ना. 12 साल के ऊपर बच्चों को यूज़ करना है, बड़े हो छोटे हो सब यूज़ कर सकते हैं.
प्रेग्नेंट लेडीज को अवॉइड करना है, किसी आपको गम प्रॉब्लम है तो अवॉइड करना है, आपको ओरल ऑपरेशन है तो अवॉइड करना है, सोलो नहीं करना है, अंदर का जो आएगा वो सोलो नहीं करना है, अगर इरिटेशन हो रहा है तो उसको धो देना है, आई के अंदर नहीं जाना चाहिए, आई बहुत दूर है बट फिर भी बाई चांस आपके हाथ वाथ में लग के आई ना जाए, और इसको टाइटली बंद करके रखना है। और अगर इसमें एक चीज लिखा है, जेल विल नॉट वाइटन कैप्स, क्राउन, विनियर, फिलिंग और डेंचर। अगर आपने विनियर्स लगा के रखे हैं, अगर आपको कैपिंग हुई है या कुछ भी है तो वो वाइट नहीं होंगे, नॉर्मल टीथ पे ही वाइट करेगा, बिकॉज ये इनेमल टीथ की जो लेयर होती है उसको एब्रेड करेगा तभी वाइटनेस आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसके बाद है वो है आप कोई भी ब्लीचिंग एजेंट यूज करें, कोई भी टूथपेस्ट यूज करें, कुछ भी यूज करें, आपको अवॉइड करना है कॉफी, टी एंड स्पेशली हल्दी, ये आपके दांतों को ज्यादा पीलापन देती है, वो चीज आपको अवॉइड। और इसमें एक चीज और बोल रही है, आपको ये लगातार 6 दिन यूज करना है, ईच जेल कंटेन 2 यूजेस, मतलब आप एक जेल को, एक बॉटल को, आप एक सिरिंज को 2 बार यूज कर सकते हो, तो 2, 4, 6 बार चलेगा, या फिर 6 टाइम यूज करने का कंप्लीट किट है, 6 बार यूज कर सकते हो। इसके बाद आपको रिफिल लेना है, आप चाहे तो रिफिल बाय कर सकते हैं मेंटेनेंस के लिए, और मुझे लग रहा है कि आपको वंस अ वीक, मतलब आपको मेंटेन करने के लिए वंस अ वीक इसको अप्लाई करना है, मतलब आपको ये जिंदगी भर यूज करना है, हफ्ते में एक बार यूज करते रहना है अगर आपको दांत वाइट चाहिए तो। कितने वाइट करेंगे अभी तक मुझे तो फर्क ज्यादा कुछ ऐसा कुछ दिखा नहीं है, बट माइट भी 6 दिन लगातार यूज करते हैं तो आपको 1 या 2 शेड लाइट हो सकता है, बट अगेन डिपेंड करेगा कि आप उसको कितना मेंटेन कर रहे हैं, अगर आप कॉफी और हल्दी लेते रहेंगे तो ये सब चीजें वेस्ट हैं। तो गाइस सोच समझ के खर्चा करिएगा, लगे तो लीजिएगा वरना मत लीजिएगा, बिकॉज उससे अच्छा तो कोलगेट है। पर चीज अच्छी है, दिखने में अच्छा है, मगर पता मैं बोर हो गया 10 मिनट में लगा के इसको लगा के बैठा रहा, बट यस आपको नाइट में करना है। अभी आजकल तो वैसे भी बिग बॉस का सीजन है तो आप बिग बॉस लगा के इसको लगा के बिग बॉस देख सकते हो, 10 मिनट पता ही चलेगी कब निकल जाएंगे झगड़ा देखते देखते, वैसे ही आप बोलना झगड़ा देखने में बहुत माहिर है। तो खैर ये चीज़ अच्छी है, नहीं है, जिनको चाहिए है वो यूज़ कर सकते हैं, मतलब जिनको चाहिए कि मेरे को वाइटनिंग चाहिए और ट्राई करना है तो यू कैन ट्राई, ये आपको अराउंड 3 से 4 हज़ार के बीच की किट आती है, और मैं लिंक नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं, चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मेरी आईडी डॉक्टर अरविंद गुप्ता, मैं वहां पे आपका वेट करूंगा और आपके लिए नई नई चीजें लेके आऊंगा। मुझे ये वर्थ नहीं लगी, आपको लग सकती है तो मुझे बताइएगा, यूज करके देखिएगा, मैं भी यूज करूंगा, आप भी यूज करो, और हम लोग मिलके अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। वैसे हाँ, मतलब इतना बुरा भी नहीं है, बट यस यू कैन ट्राई, अगर आप डेंटल प्रोसीजर ले रहे हो, डेंटल क्लिनिक में जाके वाइटनिंग लेजर या वाइटनिंग प्रोसीजर ये इस टाइप की यूज कर रहे हो जैसे, तो उससे अच्छा आप घर में बैठ रह के और सस्ते में कर सकते हो यूज, मतलब डेंटिस्ट ज्यादा चार्ज करेगा, ये आपको सस्ता पड़ेगा, बट ये डेंटल के रिजल्ट है और डेंटिस्ट के आप गला पकड़ सकते हो, इस कंपनी का गला नहीं पकड़ सकते। चॉइस इज योर्स, सो स्टे ट्यून्ड विद मी डॉक्टर अरविंद गुप्ता, मैं और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कीजिएगा, और एक बेल आइकन इसको घंटी को दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी नए वीडियो लेके आऊँ आपके लिए तो आपको फट से पता चल जाए कि यस मैं आ चुका हूँ।